हेलो गाइस और वेलकम रे जी टी ए 5 के मॉड ट्यूटोरियल के और एक वीडियो में। तो आपने देख ही लिया होगा कि आज हम किस चीज़ का ट्यूटोरियल करने वाले, तो अभी मैं आपको बोल देता हूँ। तो जो आपने मूवीज़ देखी होगी बैक टू द फ्यूचर, उसमें एक कार होती है टाइम मशीन वाली जो डॉक्टर बनाते, तो हम वो डालने वाले हैं। और ये एकदम मतलब ढांसू मॉड, एकदम आपने देखा ही होगा कि किस तरह स्पॉन होती है, और ये लाइक एकदम मज़ा आएगा आपको खेलने में। ओके, और इंस्टॉलेशन काफ़ी ईजी है, तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या क्या फाइल्स चाहिए। तो सारे मैं फाइल्स के लिंक और डिस्क्रिप्शन में, तो भी हम बोल देते हैं स्क्रिप्ट हुक 5 और स्क्रिप्ट हुक .net और नेटिव हमें चाहिए होगा। तो फटाफट आप डाउनलोड कीजिए और ओपन कीजिए अपने GTA 5 की फोल्डर। तो मेरी GTA 5 की फोल्डर यहाँ पर है। ओके, आपका सी ड्राइव में होगा, डी ड्राइव में होगा, आप जाके वहाँ से इसे ओपन कीजिए। तो पहली चीज़ हमें जो करना है वो है कॉपी करेंगे हम स्क्रिप्ट हुक 5। तो स्क्रिप्ट हुक 5 के हमें दो फाइल्स चाहिए, ये स्क्रिप्ट हुक .dll और ये वाली। हम ड्रैग और ड्रॉप करेंगे, रिप्लेस करूँगा, मेरे इसमें है ऑलरेडी इसलिए। फिर सेकंड फाइल हम कॉपी करेंगे स्क्रिप्ट हुक .net। ये आप स्टार्टिंग के सारे सेलेक्ट करता हूँ, ये सारे फाइल आप कॉपी कीजिए और ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कीजिए। मेरे इसमें है तो मैं फिर से करूँगा रिप्लेस। फिर हमें चाहिए होगा नेटिव UI, और पहले नेटिव UI के लिए हमें बनाना होगा स्क्रिप्ट की फोल्डर। तो अगर आपके इसमें स्क्रिप्ट की फोल्डर नहीं है तो आप जाके यहाँ पे बना सकते हो, न्यू पे जाके आप वहाँ पे टाइप कीजिए स्क्रिप्ट। ओके, जैसे मैंने लिखा हो, मैं इसमें है तो मैं करूँगा डिलीट। उसके बाद हमें क्या करना होगा, नेटिव UI जो है हमें दोनों फाइल स्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर कॉपी करनी होगी। मैं इसमें है, मैं फिर करूँगा रिप्लेस। ओके, इसके बाद जो चीज़ हमें जो करना है वो हम करेंगे इसे एक्सट्रैक्ट, और हम ओपन करेंगे ओपन IV। ये इंस्टॉलेशन काफ़ी ईजी है गाइस, इसका जो इंस्टॉलेशन है आप ओपन IV से कर सकते हो, आपको कुछ इसमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बस इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए कि कैसे आपको करना है इसके अंदर। ओके, तो सबसे पहले हमें क्लिक करना है एडिट मोड पे। अगर आपको पता नहीं मॉड्स की फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरे पुराने वीडियोस में, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो ये करने के बाद हमें यहाँ पे जाना होगा टूल्स में, होप आपने एक्सट्रैक्ट किया होगा ये फोल्डर। हम गएंगे टूल्स के अंदर और जाएंगे पैकेज इंस्टॉलर में, और हमें जाना होगा डेस्कटॉप पे जहाँ हमारी फोल्डर है एक्सट्रैक्टेड, ये कार की, इसे हम करेंगे ओपन, और हमें ये करना है सेलेक्ट ओपन इंस्टॉल्ड। मॉड्स फोल्डर के अंदर करना है, प्लीज़ गाइस देखो मॉड्स फोल्डर के अंदर करना है इंस्टॉल। तो हमारा मॉड्स कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है, ये तकरीबन 50 सेकेंड से 40 सेकेंड लेता है, डिपेंड करता है आपके PC के ऊपर, अगर आपका PC कितना फास्ट है। उसके बाद हमें जो इंस्टॉल करना है वो हम करेंगे जिससे ऑप्शनल फाइल है, आप देख सकते हो यहाँ पे दिया है ऑप्शनल OVIs। तो इसमें क्या है गाइस, आप टायर के जो डिज़ाइन है वो चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये आपके ऊपर ऑप्शन, आपको अगर करना है तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, तो भी मैं आपको एक दिखाऊंगा करके। सेम हम जाएंगे टूल्स के अंदर पैकेज इंस्टॉलर में ऑप्शनल, तो मैं लूँगा ओके। तो हम करेंगे ये वाला इंस्टॉल हाईली क्वालिटी टेक्सचर्स, मैं सेम ऐसा क्लिक करूँगा, ये भी सेम ऐसा इंस्टॉल होगा। हमें इसे करना है मॉड्स फोल्डर के अंदर इंस्टॉल। ओके, ये हमारा हो गया इंस्टॉलेशन कम्प्लीट। सो अभी हम सब क्लोज करेंगे गाइस और गेम में जाएंगे, और मैं गेम में आपको बताऊं कीज़ कि आप किसी कैसे स्पॉन कर सकते हो, और आप मतलब इसके फंक्शन बताऊंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं गेम के अंदर गाइस। तो गाइस हमारा गेम लोड हो चुका है एकदम प्रॉपरली, कोई क्रैश नहीं कुछ नहीं। तो चलिए हम फटफट स्टार्ट करते हैं मॉड। तो हम मॉड मेन्यू ओपन करने के लिए दबाएंगे कंट्रोल प्लस F8 जो हमारी फंक्शन की है। तो हम इसमें से चार में से कोई भी मॉड सेलेक्ट कर सकते हैं, सबके अलग अलग मॉड डिटेल होंगे। तो पहले हम ये स्पॉन करेंगे एक नंबर, तो आप देख सकते हो क्या स्पॉन होती है कार, और सबसे बेस्ट मुझे ये वाली कार लगती है, इसमें जो डिज़ाइन है और जो इसका टेक्सचर्स इतना धामा धासू है ना, क्या बोलो आप। और जब भी कोई भी आप कार स्पॉन करोगे तो आपको रिफ्यूल करना जरूरी है, तो इससे हम करेंगे रिफ्यूल फ्यूजन रिएक्टर से, ये हो गया हमारा रिफ्यूलिंग, ये हमारी गाड़ी ने छोड़ी धुआ। ओके, तो अभी हम स्पॉन करेंगे सेकेंड वाला मॉडल, तो सेम मेन्यू ओपन करेंगे और जाएंगे सेकेंड वाली पे और करेंगे स्पॉन। एनिमेशन देखिएगा ऐसा एकदम परफेक्ट, जो पिक्चर में कैसा आती है, मूवी देखा रहेगा आपने, उसमें भी ऐसी लोड होती है, तो ये भी ऐसी लोड होती है। अभी हम स्पॉन करेंगे थर्ड वाला मॉडल, ये थोड़ा अलग है, ये देख सकते हो आप, ये लेटेस्ट वाला। और सेम हमें ये दबाना होगा, तो हम इसमें डालेंगे पेट्रोलियम, या हमने इसमें डाला केले का छिलका। ओके, तो ये हो गया हमारी स्पॉनिंग वाली, मैं आपको बता दिया कैसे आप स्पॉन कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं यूज़ करूँगा सेकेंड वाला। ओके, मैं सेकंड वाली कार यूज़ करूँगा जो सेकंड मॉडल है हमारा। और आप देख सकते हो जैसे कार में बैठोगे आपको यहाँ पे डिस्प्ले आएगा टाइमर का,
ओके तो इसमें हम अभी सेट करेंगे टाइम, हमें अभी फ्यूचर में ट्रैवल करना है। ओके तो मैं थोड़ा पीछे ले लेता हूँ ताकि हमें स्पीड मिले। 85 की स्पीड चाहिए जब जाके कार चालू हो जाती है, मतलब ट्रैवल होना। ओके बस बस ठीक है। तो हमें यूज़ करना होगा नम पैड की, जो हमारा नम पैड का तो सेक्शन होता है, हम वो यूज़ करेंगे। तो पहले हमें दबाना है प्लस, प्लस दबाओगे तो आपका क्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। ओके उसके बाद हमें दबाना है फॉरवर्ड स्लैश, जो नम लॉक लिखा है उसके बाजू में देखो होगा एक, वो दबाना है तो हमारा चालू होगा इनपुट मोड नाउ। ओके तो आपको सिर्फ नम पैड की से आप कुछ भी टाइम डाल सकते हो, जो आपको डालना है डेट, मंथ, डे और ईयर। ओके तो मैं डालूँगा 01 जो हमारा मंथ है जनवरी, और डेट डालूँगा जैसे 15th। ओके और डालूँगा 2020 और दबाऊँगा एंटर, नम पैड की वाला एंटर। ओके तो ये हमारा टाइम हो गया सेट। तो अभी मैं क्या करूँगा, देखता हूँ मैंने इसमें रिफ्यूल किया या नहीं किया। अगर नहीं किया होगा तो फिर हमारी कार ट्रैवल नहीं होगी। ओके नहीं किया था तो मैं भी रिफ़िल करूँगा वापस। ये हो गया हमारी रिफ्यूलिंग। चलिए अभी हम जाएंगे फ्यूचर में, 2020 में जाएंगे हम। ओके रेडी गाइस, तो चलिए। तो जैसे हमारी कार 85 क्रॉस करेगी हम फ्यूचर में चले जाएंगे, और आपका एनिमेशन भी देख सकते हो इसका। अभी देखना चिंगारी निकलेगी। ये हम स्टार्ट ऑफ फ्यूचर में आने के लिए गाइस, हम चले गए फ्यूचर। तो अभी हम आ गए फ्यूचर में, जैसे आप देख सकते हो जनवरी 15, 2020 जो बीच वाला है ग्रीन में लिखा हुआ। ओके और यहाँ पे भी आपको अपनी कार मिलेगी जो हमने वहाँ पे स्पॉन किया था, क्योंकि हम हमारी कार वहाँ पे अभी भी है। ओके तो ये आप अभी ये कार में, और एक चीज़ है, अगर आपको इसको जैसे होवर मोड पे डालना है तो हमें एक्स दबा के रखना होगा। तो एक्स दबा के हमारी कार उड़ेगी, और आप स्पेस दबा सकते हो बूस्ट के लिए, कंट्रोल से आप जा सकते हो और शिफ्ट से नीचे। अगर आपको रोड नहीं मिल रहा, अगर आपको फास्ट एकदम क्रॉस करना है फ्यूचर में जाना है, तो आप फ्लाई करके भी जा सकते हो। ओके फ्लाई करोगे तो भी स्पीड मिलेगी, आपकी कार ट्रैवल कर लेगी, आप देख सकते हो। अभी क्योंकि मैंने वो डाला नहीं फ्यूजन रिएक्टर, तो हमारी कार ट्रैवल नहीं होगी। ओके तो ये हो गया दूसरा मॉड। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप रिमोट कंट्रोल भी कार को यूज़ कर सकते हो। ओके तो मैं निकलूँगा गाड़ी से बाहर, और मैं दबाऊंगा मेन्यू जो है हमारा, इससे आप ऑल्ट और स्पेस दबाओगे तो भी आपका मेन्यू खुलेगा। ओके तो हम ओपन करेंगे मेन्यू, तो यहाँ पे रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन है, अब इसे दबाना है और हम करेंगे सेलेक्ट। देख सकते हो अभी हमारी गाड़ी रिमोट कंट्रोल पे दौड़ेगी, हमारा फ्रंट व्हील वहाँ खड़ा है और हम यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं। तो नीचे सिग्नल स्ट्रेंथ देख सकते हो, जितना आप दूर जाओगे वो स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। ओके तो ये ऐसा आप ऐसे यूज़ कर सकते हो इसमें रिमोट कंट्रोल मॉड, काफ़ी कूल मॉड है ये बोल सकते हो। और अगर आप सेकेंड वर्जन अगर इस लोगों कार का, तो आप उससे फ्लाई भी कर सकते हो। ये हमारा फ्रैंकलिन खड़ा है, और एफ दबा के हम वापस हमारे प्लेयर पे जा सकते हैं। ओके सो गाइस ये रहा आज का मॉड का ट्यूटोरियल, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको क्या देखना है नेक्स्ट में ज़रूर बताना। ओके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए